दोस्तों वेलकम बैक टू रेसलिंग जस्टिस। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्राउन जूल 2023 के हमारे पूरे विनर प्रेडिक्शन के बारे में। आखिर इस प्रीमियम लाइव इवेंट में कितने मैचेस होंगे और इन मैचों में किसके जीत होने के ज्यादा चांस हैं। तो आइए जानते हैं क्राउन जूल 2020 के विनर्स और लूजर्स के बारे में। सबसे पहला जो मैच होगा वो होगा जेडी मैकडोना वर्सेस सेमी ज़ेन। एक सिंगल्स मैच है और ये प्री शो का हिस्सा होगा और इस मैच में सैमी ज़ेन आराम से जीत हासिल कर लेंगे। अगला मैच होगा जॉन सीना और सोलो सिकोवा के बीच, ये भी एक सिंगल्स मैच है। अब बैटिंग ऑर्ड्स के मुताबिक तो बताया जा रहा है कि भाई सोलो सिकोवा जीतने वाले हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होने वाला है। मेरा दिल कहता है कि यहाँ जॉन सीना जीतने वाले हैं, तो मेरा प्रिडिक्शन होगा कि भाई जॉन सीना सोलो सिकोवा को हराने वाले क्राउन जूल में। नेक्स्ट मैच होगा कोडी रोड्स और डेमियन प्रीस्ट, एक और सिंगल्स मैच। और यहाँ तो भाई कोई सवाल ही नहीं उठता डेमियन प्रीस्ट के जीतने का। कोडी रोड्स इस मैच को जीतेंगे एक क्रॉस रोड्स के साथ में और हरा देंगे मनी इन द बैंक विनर को। फिर आता है भैया सिंगल्स मैच वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए, जिसमें ईओ स्काई अपना टाइटल डिफेंड करने वाली हैं बियांका बेलेर के खिलाफ। और यहाँ मेरे ख्याल से बियांका बेलेर इस मैच को जीत कर नई जो है वुमेन्स चैंपियन बन जाएंगी। वैसे आपको क्या लगता है कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला मैच होगा यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए, जहां लेजेंडरी रे मिस्टेरियो अपना टाइटल डिफेंड करेंगे यूट्यूब सेंसेशन लोगन पॉल के खिलाफ। और यहां मेरे ख्याल से लोगन पॉल जीतने वाले हैं इस बार, क्योंकि क्राउन जूल में ये मैच होने वाला है। सऊदी अरेबिया में लोगन पॉल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। पिछले साल वो रोमन रेंस को नहीं हरा पाए, लेकिन उन्होंने ट्राइबल चीफ को कांटे की टक्कर दी थी। और इस बार पॉसिबिलिटी है कि वो रे मिस्टेरियो को डिथ्रोन करके उन्हें हरा कर नए यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बन जाएंगे। नेक्स्ट मैच होगा वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, जिसमें मामी रिया रिप्ली अपना टाइटल डिफेंड करने वाली हैं नाया जैक्स, रकेल रॉड्रिगस, शीना बेजलर और जोई स्टार्क के खिलाफ एक फेटल फाइव वे मैच में। और इस मैच में भी रिया रिप्ली के हारने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। रिया रिप्ली अपने चारों ओपोनेंट्स को हराकर अपने टाइटल को रिटेन करने वाली है। तो मेरा प्रिडिक्शन है भैया कि रिया रिप्ली अपना टाइटल को रिटेन कर लेंगी। नेक्स्ट मैच होगा सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकइंटायर के बीच वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच। यहाँ द विजनरी का टाइटल दाव पर लगा होगा और यहाँ मेरे ख्याल से सेथ रॉलिंस अपना टाइटल रिटेन करने वाले हैं। हाँ, चांस ड्रू मैकइंटायर के ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन बैटिंग ऑर्ड्स सेथ रॉलिंस की तरफ है। और दूसरी बात यह भी कि जो ड्रू मैकइंटायर है उनका हील टर्न होने वाला है आने वाले समय में, तो अगर वो ये मैच भी हार जाते हैं तो उनका फिर जो हील टर्न है वो एकदम कन्फर्म हो जाएगा। फिर हमें स्कॉटिश साइकोपाथ वाला ड्रू मैकइंटायर देखने को मिलेगा। तो हील ड्रू मैकइंटायर सेथ रॉलिंस को डिथ्रोन करे ये ज़्यादा बेटर होगा। ऐसे में अभी तो सेथ रॉलिंस को जीतना चाहिए और मेरा प्रिडिक्शन है कि भैया द विजनरी क्राउन जूल में ड्रू मैकइंटायर को हराकर अपना टाइटल रिटेन कर लेंगे। अगला मैच होने वाला है अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच, जिस मैच की सबसे ज़्यादा हाइप है। यहाँ रोमन रेंस अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मेगास्टार LA नाइट के खिलाफ डिफेंड करने वाले हैं। और इस मैच में बिना किसी डाउट के मैं कह सकता हूँ कि रोमन रेंस जीतेंगे। वो किसी की मदद लेकर जीतेंगे ये बात तो पक्की है, लेकिन ट्राइबल चीफ का जीतना एकदम पक्का है। तो मेरा फाइनल प्रिडिक्शन है कि ट्राइबल चीफ इस मैच को जीतकर अपना टाइटल रिटेन करने वाले हैं। आपको क्या लगता है आप कमेंट करके बता सकते हैं। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए रेसलिंग जस्टिस को सब्सक्राइब करें। बिलीव इन गॉड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।